तो गाइस रिसेंटली लावा ब्लेज 2 में आपका मे का सिक्योरिटी अपडेट आया है एंड उसके बाद आपका बैटरी बैकअप कैसा है, चार्जिंग टेस्ट मतलब चार्जिंग का क्या स्पीड वीड बढ़ा है या कम हुआ है वो बताते हैं एंड हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है एंड बेंचमार्क्स देखते हैं यार कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या, तो सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन काला बटन सफेद बटन जो भी दिख रहा है ना बस दबा दो, सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक एंड शेयर कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो बता दूं मतलब मैंने ऐसा अपडेट अभी तक तो कहीं नहीं देखा था। 3 मई को इसके अंदर आता है अपडेट मे सिक्योरिटी पैच का एंड ये कम्पीट कर रहा था सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में भी उसी दिन अपडेट आया जब इसमें अपडेट आया, मतलब अंडर 10,000 मतलब 9,000 के स्मार्टफोन में इतना अच्छा अपडेट का आपका फ्लुएंसी रहेगा तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है एंड उसमें भी कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी की गई है। ऑल दो मैंने उसके बाद कैमरा टेस्टिंग नहीं की, मैंने उससे पहले जो टेस्टिंग की थी उसकी ही टेस्टिंग की है, तो आई बटन में आप वीडियो जाके देख सकते हो कैमरा की भी टेस्टिंग कर रखी है हमने। बट अभी हम बात करेंगे बैटरी बैकअप की, तो अगर बैटरी बैकअप की मैं नॉर्मली बात करूँ ना आपको तो देखो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मतलब 2 दिन के हिसाब से मेरे को 3 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, मतलब पूरा आपका 1 दिन और 19 घंटे के आसपास आपका चल जाता है मेरा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी 20% बचता है क्योंकि मैं 20% तक रखता हूँ, 20% के नीचे जाना भी नीचे है, तो आराम से आप 1 दिन में हैवी यूसेज करेंगे ना 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देगा और कहीं मरने वाला नहीं है, कहीं आपको बीच में छोड़ने वाला नहीं है, अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है बैटरी अच्छे से बैकअप दे रही है आपको। और अगर आपको बैटरी बैकअप के स्टैट्स देखने हैं तो अभी देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें बैटरी यूसेज के हिसाब से, सो स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को कहीं ना कहीं 3 आवर्स तक का दे देता है 2 डेज के यूसेज में, बट 1 दिन के यूसेज में आराम से 5 आवर्स दे देगा स्क्रीन ऑन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है एंड मॉडरेट से हैवी यूसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बट यहाँ पे कभी कभार मेरे को स्टैट्स गड़बड़ दिखाता है, तो यहाँ ये थोड़ा सा मेरे को बगी लगा, यहाँ पे आपको ढंग से नहीं दिखाता। अगर हम देखें यहाँ पे सो बैटरी सेवर तो हमने ऐसे कर रखा है, तो ये सब आपका ऑन है, अल्ट्रा सेविंग मोड भी है इसके अंदर, ऐप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजर कुछ कुछ है इनका, क्लोज ऐप आफ्टर स्क्रीन अनलॉक स्क्रीन लॉक ओके, तो ये सारे ऐप्स बंद कर देता है जो कि स्क्रीन बंद होने पे, तभी मेरे को सिंक इशू आता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखिए आप बता रहे हैं पावर इंटेंसिव कौन सा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ लगा मेरे को, अगर हम ये सारे ऑफ कर दें तो ये इजी रहेगा, सिर्फ पावर इंटेंसिव आप बंद कर दीजिए तो ये सिंक नहीं मारेगा जब आपका स्क्रीन लॉक होगा, तो ये रहेगा ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए अगर आपको यूज़ करना है तो ऑब्वियसली बैटरी फिर लगेगा, पावर इंटेंसिव ऐप्स ये रहा दिखाई रखा है ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो बैटरी बैकअप मेरे को अच्छा दे देता है, तो अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं थोड़े, इसका खुद का गैलरी ऐप नहीं है विच इज़ अ बमर आई वुड से। स्क्रीनशॉट की अब बात करें बैटरी बैकअप की, तो ये रहा जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, अभी देखो 9 डेज 15 मिनट्स ओवरऑल दिखा रहा है कब तक फ़ोन ऑन था एंड ऑल, 1 डे 19 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आपको बता रहा हूँ मैं, 3 आवर्स तक का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिला था 2 डेज के हिसाब से, 1 डे 19 आवर्स के हिसाब से और 3 डेज 3 आवर्स का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिला था 2 डेज के हिसाब से, विच इज़ गुड ठीक है। अब बात करें अगर हम बेंचमार्क्स की, तो बेंचमार्क्स आप देख सकते हैं हमारे को N22 स्कोर मिला था 2,67,000, मतलब कंपनी शायद से 2,60,000 या 2,55,000 कुछ बोल रही है, बट उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, तो दैट्स प्रिटी गुड ठीक है। एंड हम बात करें अगर CPU गीक बेंच की, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा हेल्दी स्कोर है आपका, सिंगल कोर स्कोर 445 का एंड मल्टी कोर स्कोर 1538 का, दैट्स ऑल्सो प्रिटी गुड एंड गेमिंग परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा है। एंड अगर हम CPU थ्रॉटलिंग की बात करें, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं आपका, एवरेज में 1 लाख से ऊपर ही रहा है, 1,09,000 के आसपास एंड मैक्स गया 1,23,000 के आसपास, मिनिमम गया 91 तक के आसपास, 15 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट था आपका CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, तो सही है मेरे हिसाब से। एंड गेमिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं बहुत गेम वेम खेलता हूँ इसमें एंड आई लव इट, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर UI बग्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए जियो एकदम टच कर रहा था ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे बग्स हैं इसके अंदर। एंड ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे आपको HDR भी मिल जाता है विच इज़ प्रिटी गुड, आपको डुअल ऐप्स मिल जाते हैं फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का, दिस इज ऑल्सो गुड ठीक है। एंड आपको दिस स्टूडियो लाइटिंग भी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है, क्लासी लगता है। एंड अपडेट्स टाइम पे मिलते हैं, मतलब देख सकते हैं कैमरा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी किया है एंड
इतनी जल्दी अपडेट मे का किसी को नहीं मिला, मतलब मेरे खुद के फोन में अभी तक मे का अपडेट नहीं आया है सिक्योरिटी पैच का, और आज की डेट हो गई आपकी 15। सो दिस इज प्रिटी गुड अगर अपडेट्स की बात की जाए। बट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, जैसे कि आपका फेसबुक खोल लिया मैंने, फ्लिपकार्ट खोल लिया, प्ले स्टोर खोल लिया, ठीक है, और जैसे कि हमने और क्या खोल लिया, गूगल मैप्स खोल लिया, एक हैवी गेम खोल लेते हैं आपका BGMI खोल लेते हैं। सो अब इसको हम रैम में छोड़ देते हैं, YouTube खोल लेते हैं, here we go, YouTube आ गया हमारे पास, एंड ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है हमारे पास रैम में, ठीक है, ये सारे हमारे पास ऐप्स हैं। सो लेट्स चेक आउट, टेलीग्राम लोड हो रहा है, ठीक है, अब अगर हम चेक करें प्ले स्टोर लोड नहीं हुआ, देखा आपने, एंड अगर हम चेक करें फेसबुक लोड नहीं हुआ, दैट्स गुड, एंड चेक करें अगर हम गूगल मैप्स लोड हुआ, ओके, अब चलते हैं गेम पे, नहीं हुआ लोड। ये रैम मैनेजमेंट अच्छी है, और इवन मैंने यहाँ पे वी रैम ऑन नहीं करके रखी, मैं ट्राई करता हूँ कि वी रैम ऑन ही ना करूँ, यूज़ ही नहीं करूँ, मोस्टली मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये अब वापस से खोला है इसमें गूगल फोटो, सही दे देता रैम मैनेजमेंट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है सच रैम मैनेजमेंट को लेके। ये देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग हो रही है, तो यहाँ डायनेमिक कैलेंडर दिखा रहा है, ऐसे कुछ कुछ चीज़ों पे दिखाता है, फोन आता है तब दिखाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा 20 मिनट पूरा हो गया है, एंड अब देख लेते हैं एक बार कितना चार्ज हुआ है, 26% चार्ज हुआ है अभी, 2% हमने लगाया था, ठीक है, एंड देखते हैं एक बार गर्म कितना हो रहा है। सो लेट्स चेक, तो 40 टेम्परेचर जा रहा है ऊपर की तरफ, स्क्रीन की तरफ 39 पॉइंट कुछ जा रहा है, वो भी ऊपर ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो गाइज अभी चेक किया जाए तो 64% हो चुका है, एंड लेट मी चेक द टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर गिर चुका है एज आई कैन सी, नहीं अभी नहीं गिरा है, टेम्परेचर अभी ऑल टाइम हाई है 43 पे, सो 43 चल रहा है अभी ऑल टाइम हाई, एंड अगर फ्रंट में देखा जाए 43 मैक्स गया है, नीचे की तरफ तो कम है, ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा है, आराम से 43.5 से टच कर रहा है। सो गाइस 1 आवर हो चुके हैं, एक बार देखते हैं कितना चार्ज हो गया, 72% चार्ज हो चुका है एक घंटे के अंदर अंदर, और 18 वॉट का चार्जर है इसके साथ, एक बार देख लेते हैं, डायनेमिक कैलेंडर बहुत हेल्प कर रहा है इस चीज़ में, चार्जिंग का बता देता है मेरे को, 43.3 कुछ है, 44 टच किया अभी मैंने, 44 नोट किया, लेट मी जस्ट चेक, ये रहा 44.9, टच कर रहे हैं यहाँ पे, ये रहा, और देखिए ग्लास बैक है ना, तो थोड़ा ज़्यादा हीट लगेगा आपको, ज़्यादा हीट होगा, बट कुछ होगा नहीं फ़ोन को, ऑब्वियसली इसको प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही बनाया जाता है कितना चार्जिंग स्पीड ले सकता है कितना नहीं, तो डरने की बात नहीं है, 45 से ऊपर जा रहा है, तो फास्ट चार्जिंग में थोड़ा हीट होता ही है, दैट्स नॉर्मल, बट आप लोग चाहते हैं कि हम लोग फास्ट चार्जिंग बताएं, तो बस इसलिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, वोडाफोन का टावर या किसी का, जियो का मेरा भी कट रहा था, जियो बाहर जा रहा है, बट वोडाफोन है सब सही रहता है यहाँ पे, और डायनेमिक कैलेंडर उन लोगों ने खुद ही नहीं बोला लावा वालों ने, तो इसका समझ में आता है। वैसे देखा जाए 1 घंटे के हिसाब से सही चार्ज हो गया, 75% ऑलमोस्ट हो गया है, तो दैट्स गुड यार। सो गाइज हम टच कर चुके हैं 1 आवर 30 मिनट्स, एंड 1 आवर 30 मिनट्स के हिसाब से 96% हो चुका है, जो कि अच्छा है, मतलब सही है, 5000 mAh बैटरी है, तो समझ सकते हैं। अब मेरे को फील तो ठंडा हो रहा है फ़ोन कंपैरेटिवली, ऑब्वियसली जब आप 50% 60% के हिसाब से ऊपर जाते हैं ना,
तो टेम्परेचर गिराने लग जाता है। देख सकते हैं मैक्सिमम 36 जा रहा है, 37 जा रहा है, गिर चुका है टेम्परेचर। तो वो टेक्नोलॉजी होती है, वो अपने आप ब्रांड्स देखती है कितना इसको पुश किया जा सकता है। 38 तक आया मैक्स, तो ब्रांड्स देखती है कितना पुश कर सकते हैं बैटरी को। सेफ्टी हजार्ड्स के साथ ही बनाया जाता है इसको, टेंशन की बात नहीं है। तो सही जा रहा है, एंड लेट्स सी अब फुल चार्ज कब होता है। अब फुल चार्ज होता है तब मिलते हैं, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए। आप लोग का क्या ख्याल है ज़रा बताना कमेंट्स में। तो गाइस 99% पहुंच चुका है, दैट्स प्रिटी गुड। एंड देखते हैं 100%, मेरे को लगता है कि ये 1 hour 45 minutes में 100% हो जाएगा। लेट्स वेट, या 2:50 पे हो जाएगा, क्या लगता है? क्या लगता है, 2 मिनट में होएगा? चांसेस कम लग रहे हैं। हो जा, मैं चाहता हूँ 1 hour 45 minutes हो जाए। अच्छा लगता है ना बोलने में, इजी रहेगा, 1 hour 45 minutes में फुल चार्ज हो गया। नहीं हुआ, 1 hour 45 minutes में फुल चार्ज नहीं हुआ। लेट्स वेट 2-3 मिनट और, हो गया। आवाज़ भी करता है, फुल चार्ज हो जाता है तो आवाज़ करता है, टुडून आवाज़ आई मेरे को, तो इसको तो स्टॉप करो। 1 hour 45 minutes बोल सकता हूँ मैं। 1 hour 45 minutes में आपका 0 से बोलें या 1 or 2% से 100% तक आपका पहुँच गया ये 1 hour 45 minutes अराउंड, 1 hour 46 बोल लो, ठीक है। सो सही है बॉस, चार्ज लिखा रहा था, देखिए यहाँ पे अभी दिखाऊँ आपको, चार्ज लिखा रहा था, चार्ज्ड मतलब कि फुल चार्ज हो चुका है, इसके बाद चार्ज नहीं होएगा, अब आप बंद कर सकते हैं। तो आपने देखा 1 hour 45 minutes के आसपास ले रहा है फुल चार्ज होने में, विच इज़ नॉट बैड, मैं तो बोलूँगा सही है। एंड उस टाइम पे नॉर्मल टेम्परेचर था रूम का, तो मे बी अगर अच्छा हो, ठंडा हो टेम्परेचर, तो शायद थोड़ा और फास्ट कर दे। एंड हीटिंग प्रॉब्लम यार, चार्जिंग में थोड़ा बहुत हीट होता है, और वो हीट होगा उसके बाद वो खुद ही नॉर्मल करेगा। तो लाइक 60-70% जाके कोई कम कर देता है कंपनी, कोई 50 के बाद ही कम कर देता है। तो ऑब्वियसली 50 तक तो ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग होती है, उसके बाद थोड़ा स्लो करते हैं ताकि बैटरी की हेल्थ भी बचे एंड प्रोटेक्शन भी रहे कि कल को कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके हिसाब से यार कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग के टाइम पे हीट होगा, और ये ग्लास बैक है तो जल्दी से हीट होता है एंड जल्दी से आपको फील होता है, तो वो होता है थोड़ा। तो उसके बाद वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ग्लास का यही चीज़ है, गर्म भी जल्दी होगा तो ठंडा भी बड़ी जल्दी होगा। तो उसकी टेंशन मत लीजिए चार्जिंग में, नॉर्मल डेली यूसेज में मेरे को कोई हीटिंग का ऐसा इशू नहीं लगा। और अगर आपको ढंग से जानना है हीटिंग वगैरह प्रॉब्लम है कि नहीं, तो गेमिंग परफॉर्मेंस की वीडियो आपको आई बटन मिल जाएगी, गेमिंग का प्रॉपर रिव्यू किया, टेस्टिंग किया है, बेंचमार्क्स वगैरह सब, आपका हीटिंग वगैरह आपका टेस्ट किया सब कुछ, एंड बैटरी ड्रेन कितना हुआ उसमें गेमिंग के टाइम पे, वो सारा आपका वहाँ टेस्ट किया हुआ है। और चार्जिंग में सिर्फ आप ये मत देखिए कि चार्जिंग क्या आपका स्लो है या फास्ट है, ये भी तो देखिए चार्जर मिल रहा है पहले तो आपको बॉक्स में, 18 वॉट का मिल रहा है, 10 वॉट का नहीं मिल रहा, प्लस टाइप सी पोर्ट के साथ मिल रहा है। तो यार बहुत सारे प्लस भी हैं, तो उसके हिसाब से 1 hour 45 minutes डिसेंट लगा मेरे को, कोई ना ज़्यादा ढीला, मतलब एज इन कम स्लो चार्ज भी नहीं लगा, फास्ट भी नहीं लगा, इट वॉज डिसेंट। तो मतलब आप मॉर्निंग में 2 घंटे लगा देंगे तो आराम से फुल चार्ज हो जाएगा, और किसी का 20% तक है तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के आराम से आपका फुल चार्ज हो जाना चाहिए। ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अंडर 9000 तो अभी तक किल कर रहा है सारे कॉम्पिटिशन, कोई भी इसके आसपास नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है रिव्यू में, तो बहुत जल्दी आने वाला है हमारा रिव्यू, एंड बहुत जल्दी इसका बड़ा भाई भी आने वाला है कोई, तो स्टे ट्यून्ड। इस चैनल में आपको अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ मिलने वाली है अग्नि 2 की। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको रिव्यू पे। सो दैट इज दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर देने का, वीडियो अच्छी लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।